आप सभी को नमस्कार। मैं शशिकला बोल रही हूँ। इस वीडियो के थ्रू मेरी कोविड एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। जैसा आप में से बहुत लोगों को पता है, हमारे घर में मैं, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों कोविड पॉजिटिव हो गई एक साथ एक ही टाइम पे। फर्स्ट डे हस्बैंड का पॉजिटिव निकला और तुरंत एक घंटे के अंदर हम दोनों ने भी सैंपल दिया। नेक्स्ट डे हमें पता चला हम भी पॉजिटिव। और क्योंकि कफ ज़्यादा थे हस्बैंड का भी और बेटा का भी, तो उनको सीटी स्कैन हम तीनों को किया तो उन दोनों को लंग इन्फेक्शन निकल के आई। और मेरी जो है सीआरपी वैल्यू बहुत ज़्यादा थे, तो ब्लड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थे, तो हम तीनों को हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी था। जेके में हम हॉस्पिटलाइज्ड थे और उन दोनों के लिए इंजेक्शन देना ज़रूरी पड़ा। और इंजेक्शन जैसे ले रहे थे, थर्ड इंजेक्शन के बाद इंजेक्शन शॉर्टेज हो गई। उसको अरेंज करने में बहुत लोगों ने हेल्प किया। मेरी फ्रेंड्स तो नहीं बोलेंगी, दे आर माय फैमिली, मैं मेरी परिवार की लोग इतना मदद किया हमारे टेस्ट से लेकर, हमारे हॉस्पिटल जाने से लेकर, हमारा वो इन लोगों का इंजेक्शंस सब कुछ ध्यान रखा हमारा। और डॉक्टर्स का, जेके हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, डॉक्टर्स उन लोग तो इतनी अच्छे से ध्यान रखा और बहुत 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 माइन्यूटली उन्होंने हर एक चीज़ को ध्यान में रख के मेडिकेशन दिया। और वहीं की सिस्टर्स और नर्सिंग स्टेशन पूरा 24/7 अलर्ट थे और हम ऑब्जर्वेशन में रखे थे पेशेंट्स को। बहुत ही अच्छे से हम रिकवर होके घर आई, घर आके 9 दिन हो गई, वी आर फीलिंग सो गुड। उसको क्या रीज़न था मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम लोग ने कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया। जैसे हमारा तबीयत ठीक नहीं थे, हम फैमिली डॉक्टर को और जो डॉक्टर हमारे घर पे है उन्हीं को, दोनों को बताए और टाइमली टेस्ट किया और टाइमली उसको सीटी स्कैन करना, ब्लड टेस्ट करना, फिर जैसे पता चला प्रॉब्लम है तुरंत हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई और सही ट्रीटमेंट भी मिला। और जो ट्रीटमेंट मिल रहा था उस समय बहुत रिलीजियसली, जैसे ब्रशिंग की साथ ही हमारा गार्गल करना, स्टीम करना, फिर प्राणायाम करना, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। हेवी कफ के साथ मेरे बेटा को प्राणायाम करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो फिर पहले उसको 30 सेकंड के लिए मैं करवाती थी, फिर 1 मिनट के लिए करवाना, इससे बढ़ाना। वैसे मेरे हस्बैंड को भी 3 दिन ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ा। जैसे रात को 12:30 बजे तक बेटा को दिक्कत होती थी, उसको मैं देखती थी, फिर ये 4 बजे से इनका कफ शुरू होती थी, ये ब्रीथ नहीं कर पाते थे, फिर इनके साथ बैठना पड़ता था। मतलब इट वाज अ टफ टाइम। हॉस्पिटल में 4-5 दिन बहुत टफ निकला, पर वो सब हम इजीली तो नहीं बोलूँगी, हम इसलिए क्रॉस कर पाई। मैं पूरा 24/7 मैंने भगवान की नाम लिया। आप मानेंगे नहीं, जो हमारे वार्ड में थे उनसे पूछेंगे वो बताएंगे, दोनों टाइम शिवपुराण पढ़ना, योगा करना, जो पॉसिबल हम अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए जो जो कर सकते हैं वो सब कुछ किया। बिल्कुल मैं ये कोविड न्यूज़ नहीं देखी, जितने दिन हॉस्पिटल में थे पूरी टाइम मैंने कोविड न्यूज़ नहीं देखी। और ये सोशल मीडिया अवॉइड ही किया, मिनिमम रखा था। और ये भी आपको सुन के ये लगेगा, मेरे माँ से मैंने बात नहीं किया 10 दिन, इसलिए नहीं किया, वो इमोशनली वीक होती थी और वो जैसे उनकी आवाज़ सुनने में मैं और वीक हो जाऊँगी, मुझे ऐसा डर लगता था, तो मैंने यही बोला मैं घर आ के बात करूँगी। तो मैं ऐसे लोगों से बात किया जिन लोगों ने मेरे को नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ऐसे बताने वाले से बात किया जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, उन्होंने से बात किया। बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए और आप लोग बहुत स्ट्रांग रहना और हाई प्रोटीन रिच फूड, हॉस्पिटल में बहुत अच्छे फूड भी दिया।
मैं तो जिन लोग ने फ़ोन करके पूछा अरे आप तीनों हॉस्पिटलाइज है क्या, मैं तो यही बोले नहीं नहीं हम तो ऐसे तीनों एक साथ वेकेशन में है, एक साथ यही है जेके में हमारे वेकेशन, हम देखिए भगवान ने एक टाइम दिया हम तीनों को साथ में रहने के लिए, साथ में रह रहे हैं तो हम तीनों साथ में रहने से बहुत एक दूसरे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे पाई। और अच्छा इसमें हेल्थ केयर में ये बताते हैं मेडिकेशन सबसे पहले रहता है, सही मेडिसिन सही टाइम पे मिलना और आपको डाइट बहुत अच्छे से रखना और आपको एक स्पिरिचुअल होल्ड हाई रहने से आपका कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से आप फुल्ली रिकवर होके अच्छे से घर आ सकते हैं। उसका एग्जांपल हम तीन लोग हमारी फैमिली है, मैं तो यही चाह रही हूँ जैसे हम लोग हॉस्पिटल में भी थे जितनी पॉसिबल उतनी आसपास लोगों को अगल बगल के लोगों को मैं थोड़ा कुछ जो कर पाई किया, किसी को अच्छा सजेशन चाहिए था वो दिया, जिन कुछ लोगों से सजेशन लिया है, किसी को कुछ चाहिए तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ये सारे तो वहाँ करने से इतना खुशियाँ होती है, लोग इतना दुआई देते हैं आपको, वही आपको जल्दी रिकवर होने के लिए हेल्प भी करता है मुझे ऐसा लगता है। और जिन लोगों को नहीं हुआ आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, स्टे सेफ, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, और जिन लोगों का हो गया ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं उसको 100% आप फॉलो करिए, यू बी वेरी अलर्ट, अपने आप में कोई डिसीजन मत लेना, आप डॉक्टर्स की बात अच्छे से सुन लीजिए, वो जो बोल रहे हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करिए और अच्छा डाइट ले लीजिए, योगा करिए, खासकर प्राणायाम करिए आप, और धूप में आपकी छत पे जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, सनलाइट में रहना, ये सारे बहुत फ़र्क पड़ती है। और खुश रहिए, जो सुनने में आपको खुशियाँ ज़्यादा होगी वो सब सुन लीजिए, इस समय मेंटली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग और आप इस फेस को जल्दी क्रॉस करेंगे ये तो पक्का है। एंड इवन वी हैव डन, अभी मेरी बेटा फिर से अपना क्लासेस शुरू किया क्योंकि उसका भी इनिशियली प्रेशर था, वो क्लास 12 है अभी एग्ज़ाम्स होने वाले, मैं इधर चली हॉस्पिटल में, फिर मेरा 10-15 दिन वेस्ट हो गए, पर अब आके जल्दी आप अपने रूटीन में आ गए, मेरे हस्बैंड भी अपने रूटीन में आ गए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना क्लासेस शुरू कर दिया, अपने स्टूडेंट्स को भी यही बता रही हूँ, आप लोग सब अलर्ट रहना और अच्छे रहना। एंड थैंक यू फॉर हियरिंग मी, आप सब अच्छे रहिए।